नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी देश भगत में। तो दोस्तों, हमें बहुत जल्द इंग्लिश शब्द इंडिया से छुटकारा मिलने वाला है। इंडिया दैट इज भारत, संविधान के पहले पन्ने पर यही लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इंडिया जिसका नाम भारत है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया का भारत से क्या संबंध है? सदियों पुराने इस देश को इंडिया बनाया किसने? तो दोस्तों, हो सकता है इंडिया अब इतिहास की बात हो जाए और हमारे प्यारे देश को दुनिया भारत या हिंदुस्तान के नाम से ही जाने। तो दोस्तों, विदेशों में लोग हमारे प्यारे देश को इंडिया नाम से जानते हैं, कुछ हमारे पड़ोसी देश भारत या हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया हमारे देश को भारत या हिंदुस्तान के नाम से ही जानेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें इंडिया शब्द को हटाने की मांग की गई है। इस याचिका पर 2 जून को सुनवाई होनी है। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है, यद्यपि ये अंग्रेजी नाम बदलना सांकेतिक लगता हो, लेकिन इसे भारत शब्द से बदलना हमारे पूर्वजों के स्वतंत्र संग्राम को नियोजित ठहराएगा। भारत को इंडिया कहकर अंग्रेज संबोधित करते थे और ये पूर्ण रूप से गुलामी और दस्ता को प्रदर्शित करता है। 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद 1 पर चर्चा हुई थी और उस समय देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की जोरदार वकालत कुछ महापुरुषों द्वारा की गई थी, लेकिन तब ये संभव नहीं हो सका था। याचिकाकर्ता का कहना है, इस शब्द से गुलामी की अनुभूति होती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।